Hi guys, I'm Sonali and welcome to my video. Hope you guys are doing very well and today I'm going to show you my skincare routine. So here we go. So the first step is cleaning your face with raw milk. एक कॉटन बॉल को रॉ मिल्क में डिप करके इवनली अपने फेस पर लगा लो। रॉ मिल्क एक नेचुरल क्लींजर होता है, ये आपके फेस से सारे डर्ट को निकाल देगा और आपकी स्किन टोन को लाइटन भी करेगा। सो इसको लगाने के बाद आप इसको अच्छे से अपने फेस पर मसाज करना फॉर एटलीस्ट 2 to 3 minutes। After massaging, clean hand towel लेके अपने face को अच्छे से पोंछ ले। Second step is taking steam. Steam आपकी facial pores को clean करेगा, सारे toxins को remove कर देगा और blood circulation को बढ़ाएगा। You can see कितना blood circulation बढ़ गया? I'm looking red. So the third step is scrubbing. तो हम homemade scrub बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए sugar, sugar exfoliator का काम करेगा, और फिर लेंगे coffee powder. Coffee powder एक anti-aging agent है, जो dark circles को remove करता है और cellulite reduction भी करता है। और अब हम लेंगे honey and coconut oil. Honey skin को moisturize करेगा और कोकोनट ऑयल स्किन को स्मूथ बनाएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे टू फॉर्म अ पेस्ट। ये हमारा होममेड स्क्रब इज रेडी। अब हम इस पेस्ट को फेस पर अच्छे से लगा लेंगे और फिर थोड़ा सा पानी लेकर फेस पर स्क्रब करेंगे फॉर एटलीस्ट 2 to 3 minutes. And the fourth step is face mask. उसके लिए हमने लिया है बेसन और फिर उसमें मिलाएंगे ऑरेंज पील पाउडर। इसमें विटामिन सी बहुत सारा होता है जो कि स्किन को यूथफुल बनाता है। और अब हम लेंगे एलोवेरा। If you want, आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। ये एक्ने को कम करता है और स्किन ब्लेमिशेस को भी कम करता है। Now we will add honey. रोज वाटर तो भूल ही गई थी। रोज वाटर मिलाने के बाद मिक्स इट वेल। अब हमारा पेस्ट तैयार है। इसे फेस पर लगा लेंगे और एटलीस्ट 15 मिनट्स तक रखेंगे। Then normal water से wash कर लेंगे। So at last हम face पर toner लगाएंगे and then moisturizer and don't forget to moisturize your lips also. Okay guys, so I'm done with my skincare routine and I hope you guys have enjoyed the video and make sure to like, share and subscribe. Thank you, bye bye.